जो ऑडियो रिकॉर्ड हो रही है वो मोनो में कर रहे हैं, फिर उसके बाद मैं करूँगा स्टूडियो में रिकॉर्ड। मोनो में मैंने इसलिए रखा है क्योंकि, और -8 dB में इसलिए रखा है क्योंकि देखो, देख लो, 1 2 3 4। हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और बहुत सारे क्वेश्चंस के बाद कि DJI Osmo Action 3 के लिए बेस्ट माइक कौन सा रहेगा मोटो व्लॉगिंग के लिए, वायर्ड माइक, तो मैं फाइनली वो जो माइक है वो ऑर्डर कर चुका हूँ और मेरे पास आ चुका है वो। तो ये जो माइक है मैंने अमेजोन से ऑर्डर किया है, सनाइजर का है ये माइक, पोर्ट सी वाला माइक है ये, आप देख सकते हैं। एंड इसका एक ब्लूटूथ माइक के ऊपर भी मैंने वीडियो बना रखा है DJI Osmo Action 3 के लिए, जो कि मैंने यहाँ पे भी लगा रखा है अपने मोबाइल्स में, अभी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो ये मोबाइल में भी यूज़ हो जाएगा और DJI Osmo Action 3 के लिए भी यूज़ हो जाएगा। ये ब्लूटूथ माइक है एंड बहुत ही पॉकेट फ्रेंडली माइक है एंड बहुत अमेजिंग इसकी साउंड है। तो आपने अगर वो वीडियो भी नहीं देखा तो वो भी जाके आप चेकआउट कीजिए। तो पहले तो हम इसके अनबॉक्सिंग कर देते हैं इस वीडियो के, मैं आपको दिखा देता हूँ इसके बॉक्स के अंदर क्या क्या आता है। तो ओपन करने के बाद बॉक्स की हालत कुछ पिचकी हुई सी थी, मे बी शायद डिलीवरी बॉय ने लाते टाइम कुछ इसके ऊपर हैवी रख दिया होगा। एंड बॉक्स के अंदर ऐसा कुछ नहीं था, एक गाइड थी जिसमें आप देख के आप इसको यूज़ कैसे करना है वो आप सीख सकते हो और किस किस चीज़ों में ये माइक लग सकता है, और एक पाउच था जिसके अंदर था अपना माइक। एंड जो दूसरी चीज़ थी वो थी कॉलर में लगाने वाली क्लिप। एंड जो थर्ड चीज़ थी विंड एंड नॉइस रिडक्शन के लिए छोटा सा माइक का कवर। एंड ये है इसका बॉक्स, आप एक प्रॉपर लुक इसका ले लीजिए। बॉक्स में इसकी प्राइसिंग 5,400 rupees है, बट ये प्राइस रियल नहीं है, अमेज़ॉन में मेरे को इसकी प्राइसिंग पड़ी 3,190 rupees एग्जैक्टली। एंड इसमें जो पाउच दे रखा है, इस पाउच की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है, आराम से आप इसको कैरी कर सकते हैं सेफली अपने माइक को अगर आप इसको यूज़ नहीं कर रहे हो। और जो माइक की क्वालिटी है, वायर की क्वालिटी है, वो भी काफ़ी अच्छी है इसकी। एंड जो इसकी लेंथ है वो है 2 meters, अराउंड 2 meters, मतलब 6 feet इसकी लेंथ है। तो अगर आप मोबाइल के लिए इसको यूज़ कर रहे हो तो शायद शॉर्ट पड़ सकती है लेंथ, इतना डिस्टेंस आप कवर नहीं कर पाओगे उसमें। एंड जो सनाइजर का जो माइक होता है वो ऑडियो क्वालिटी के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, उसकी क्वालिटी जो वॉइस की आती है और जो भी रिकॉर्डिंग, जिसके जितने भी ब्रांड्स हैं सारे प्रोडक्ट काफ़ी अच्छे होते हैं, आप आराम से ट्रस्ट कर सकते हैं इस ब्रांड के ऊपर। और जो दूसरी बात इसकी अच्छी है वो है, अगर आप इस DJI Osmo Action 3 में इसको डायरेक्टली ऐसे यूज़ कर सकते हैं, ये हटाया फ्लैप इसका, एंड इसको निकालने की भी ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली यहाँ से लगाइए यूज़ कर सकते हैं आराम से, अपना रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। हेलमेट के अंदर इसको हम अभी फ़िट कैसे करते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि इतनी लंबी वायर है आप कैसे आराम से फ़िट करोगे, क्योंकि हेलमेट के जितने भी स्पंज रहते हैं वो निकालना पड़ता है और उसके अंदर आप आराम से फ़िट कर सकते हो, वैसे रिमूवेबल रहता है वो। ये मेन मोटो व्लॉगिंग के लिए सही रहेगा मैं बोलूँगा, या फिर लैपटॉप से अगर आप कोई वॉइस रिकॉर्ड कर रहे हो अपने वीडियो के लिए तो उस चीज़ के लिए सही रहेगा। मेन चीज़ मेरे को ये अच्छी लगी, इसमें कोई बैटरी अटैच नहीं है, सीधे आप लगाइए और अपनी वॉइस रिकॉर्ड कर सकते हैं, क्योंकि मोस्टली जो माइक आते हैं उनमें बैटरी भी रहती है, इस माइक को कुछ चार्ज करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये चीज़ मेरे को बहुत अच्छी लगी, आप जितना देर चाहे वो यूज़ कर सकते हो, और इसमें कैमरे की बैटरी में भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इस चीज़ से। और आपको अगर विंड नॉइस नहीं चाहिए इसमें तो आप ये भी लगा सकते हैं, इसके साथ इसका आया है विंड नॉइस रिडक्शन के लिए, जिसकी इसकी भी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, इसमें रिबन जैसा दे रखा है ताकि टाइटली होल्ड हो जाए। तो इसमें आप देख रहे हैं माइक का साइन आ रहा होगा अभी, जो कि इंडिकेशन है कि ये चल रहा है। दो सेटिंग है इसमें, एक तो स्टूडियो में एंड दूसरी है मोनो में। एंड ये है मेरा कैमरा माउंट, जो कि मैंने फ्लिपकार्ट से लिया था एक्शन प्रो का, जो कि अराउंड 400-500 rupees का था, जिसकी क्वालिटी ठीक ठाक है, अच्छा ही है मैं बोलूँगा। एंड पहले तो हमको ये पैडिंग निकालनी पड़ेगी, फिर उसके ऊपर वाली निकालनी पड़ेगी जहाँ पे हम पूरी वायर रखेंगे इसकी। तो चलिए फटाफट हम इसको सेटअप करते हैं इसका।
जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने अभी अपना पूरा सेटअप लगा चुका हूँ। मैं आप देख सकते हैं पूरा अंदर से वायरिंग लगाई मैंने अभी, एंड इस तरफ से माइक निकाल दिया है। ये माइक यहाँ से जहाँ से मेरी वॉइस जाएगी, और दूसरी तरफ से मैंने निकाला है इसका सी पोर्ट का केबल, और जो पूरा वायर था 2 मीटर का वो इसके अंदर मैंने पूरा अच्छे से हाइड कर रखा है। तो चलिए चेकआउट करते हैं अभी इसकी वॉइस क्वालिटी कैसे आती है हेलमेट के अंदर। तो लेट्स गो। तो गाइज़ अभी आप देख सकते हैं जैसे कि मैं माइक लगा चुका हूँ इसमें, तो कुछ क्वालिटी का आपको पता चल रहा होगा, इसमें इंडिकेशन आ रहा है मैंने माइक लगा चुका हूँ। तो गाइज़ अभी जो ऑडियो रिकॉर्ड हो रही है वो मोनो में कर रहे हैं, फिर उसके बाद मैं करूँगा स्टूडियो में रिकॉर्ड। तो मैंने जो अभी हेलमेट का कांच है ऊपर करके रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और कांच को नीचे करके भी करेंगे, एंड धूल डस्ट बहुत है तो मैंने मास्क भी लगा रखा है, तो आपको एक अंदाज़ा हो जाएगा कि कैसी साउंड आएगी इसमें, नॉइज़ कैसी आएगी, नॉइज़ कितनी डिटेक्ट करते हैं। वैसे मैंने इसमें माइक का जो स्पंज आता है वो नहीं लगा रखा है, तो शायद से आउटडोर जो वॉइस है वो काफ़ी ज़्यादा ये कैच करे। और मुझे पीनट बटर भी लेना था तो वो भी ले लेंगे, एक साथ दो दो काम हो जाएंगे अपने। सारी धूल आंखों में जा रही, तो मैं अभी फ्लैप बंद कर लेता हूँ जो कांच है हेलमेट का, तो शायद से थोड़ी आउटडोर जो नॉइस है वो कम हो जाए और मेरी वॉइस आए सिर्फ, क्योंकि वो अगर खोल रखा है अगर कांच हेलमेट का तो बहुत ज़्यादा धूल आंखों में जा रही है मेरे। मोनो में मैंने इसलिए रखा है क्योंकि, और -8 dB में इसलिए रखा है क्योंकि स्टूडियो में बहुत ज़्यादा आवाज़ कैच करता है, एंड जिससे जो वॉइस है थोड़ी फटी फटी सी आ सकती है क्योंकि हेलमेट पूरा बंद रहेगा, एंड उसकी वजह से बहुत अजीब सी साउंड सुनने में अच्छा नहीं लगेगा वीडियो में, तो इसलिए मैंने कर रखा। बट वो भी हम चेक करेंगे अभी आगे, फिर मैं आगे वीडियो में देख के बताऊँगा कि कैसी इसमें से ऑडियो क्वालिटी मिलती है और कैसा ये सनाइज़र का माइक है। वैसे बहुत टाइम लगा मुझे इस माइक को लगाने में क्योंकि फर्स्ट टाइम मैं भी लगा रहा था हेलमेट को, मेरे को पता नहीं था कैसे खोल के कैसे क्या लगाना है, पहले तो वो सीखा मैंने, फिर उसके बाद मैंने उसके अंदर माइक कैसे कैसे एडजस्ट किया। बट हाँ, एक बार लगा दोगे तो फिर बार बार निकालने लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो ये माइक है इसी मोटो व्लॉगिंग के लिए ठीक है, एंड मोबाइल से रिकॉर्डिंग करने के लिए अगर आपको वॉइस रिकॉर्ड करनी है मोबाइल से अगर आप कर रहे हो तो आप सस्ता वाला भी ले सकते हो, वो भी मेरे पास बहुत सारे पड़े हैं, मैंने काफ़ी सारे ऑर्डर किए थे, वो 200-250 रुपये में मिल जाते हैं सी पोर्ट वाले, मैक्स टू मैक्स 300-350 रुपये में मिल जाएंगे, तो आप उससे भी अपने मोबाइल से ऑडियो रिकॉर्ड कर सकते हो सी पोर्ट वाले, बट वो इसमें काम नहीं करेगा, ये कुछ थोड़ा एक्सपेंसिव है, 3000 rupees का है, और ये लैपटॉप में भी यूज़ कर सकते हो आप, ये इसका बेनिफिट है। मोबाइल के लिए तो मैं आपको यही सजेशन दूंगा कि आप वो सस्ते वालों की तरफ जाओ, क्योंकि अराउंड 10 times ज़्यादा चीपर है इससे, एंड अगर मेरे को कोई ऑडियो रिकॉर्ड करनी होती है तो मैं इसी से, वो जो सस्ता वाला है उसी से रिकॉर्ड करता हूँ अपनी ऑडियो, जिसकी वॉइस क्वालिटी भी ठीक ठाक ही आती है, अच्छी क्वालिटी है उसकी भी। और इस बंदे को देख लो, वाह क्या सीन है, शाम का ट्रैफिक है और इस टाइम पे कैसे ये चला रहा है स्कूटी, ये कोई टाइम है सिखाने का, अजीब अजीब लोग है भाई। क्या होता है कभी कभी खुद की गलती नहीं होती है, ऐसे लोग होते हैं ना इनकी गलती की वजह से थक जाते हैं, लोग भी जानवर की वजह से भी आप लोग
हो सकता है ऐसा। एंड इन तीनों को भी देख सकते हो, ट्रिप सीट टांग चढ़ा के बैठे हुए तीनों बाइक में। एक और बहुत मैं आपको बढ़िया एग्जांपल दिखाता हूँ, ये 1 2 3 4 कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? चार चार लोग, एक मस्त सुट्टा मार रहा है, सही है। मतलब बाइक बनी है वो दो जन लोग के बैठने के लिए और चार जन लोग चिल कर रहे हैं बैठ के आराम से। तो अभी मैं जिस सिटी में हूँ वो सिटी है बरेली, एंड मैं सपने इस माइक का ही वेट कर रहा था बस। इसके बाद मैं आगे टूरिंग के लिए भी निकलूँगा जिसमें आप लोग को काफ़ी अच्छी अच्छी जगह देखने के लिए मिलेगी। तो मेक श्योर यू लाइक एंड सब्सक्राइब, और क्योंकि आपको अगर ट्रैवलिंग पसंद है तो मेरे ज़रिए मेरे थ्रू आप लोग देख सकते हैं। लेने आया था मैं सप्लीमेंट, वो नहीं दिखी मेरे को, आलू टिक्की पहले दिख गया तो मैं आलू टिक्की खा रहा हूँ, अभी खा रहा हूँ नहीं मतलब खाने जाऊँगा। ये क्या भैया, देसी घी में एक, ये 40,000, ये DJI एक्शन 3 किस में देते हो आप? एंड आलू टिक्की वॉज ऑसम। एंड इसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ, और अभी जो वॉइस रिकॉर्ड हो रही है वो हो रही है स्टूडियो में 6 dB में। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो, तो आप अंदाज़ा लगा लो कि कैसी वॉइस मिलेगी आपको स्टूडियो में। और मैं आराम से बोल रहा हूँ, ऐसा भी नहीं कि मैं ज़ोर से बोल रहा हूँ, बहुत आराम से बात कर रहा हूँ, बट स्टूडियो में आई थिंक थोड़ी फटी हुई सी और बहुत ज़्यादा आवाज़ कैच कर रहा होगा। तो गाइस आई चेक द वीडियो और आपके कान नहीं फाड़ूंगा, तो स्टूडियो में बहुत ही हॉरिबल साउंड कर रही है ऑडियो, एंड मोनो में भी थोड़ी लाउड लग रही है मुझे वॉइस। तो मैं मोनो में -10 dB में रखूँगा अपनी साउंड, ताकि थोड़ी सुनने में और सॉफ्ट लगे मेरी साउंड। तो मेरे हिसाब से गाइस सनाइजर के जो माइक है काफ़ी अच्छा ऑप्शन है DJI Osmo Action 3 के लिए, क्योंकि इतने सारे ऑप्शन नहीं है इसके लिए मोटो व्लॉगिंग माइक के लिए। तो ये मुझे मिला है 3,000 rupees में, जो कि प्राइस के हिसाब से और क्वालिटी के हिसाब से वर्थ इट लगा मुझे। तो मेक श्योर अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, बिकॉज आई नीड योर सपोर्ट एंड लव गाइस। तो अभी के लिए चलते हैं, और भी इंटरेस्टिंग वीडियो आएगी, तो अभी के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।